फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में खुराबार पुलिस ने 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 12 असलहे भी बरामद किए हैं, जिसमें पुलिस ने 6 SBBL गन, 1 12 बोर का पंप रिपीटर गन, 2 12 बोर का DBL गन, 32 बोर का रिवॉल्वर, 1 पिस्टल, 312 बोर का एक राइफल तथा 27 कारतूस सहित फर्जी लाइसेंस बरामद किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में खुराबार थाना के निवासी विनोद कुमार पुत्र बलवंत निवासी कुई बाजार, जगदीश शुक्ला पुत्र दुर्गा प्रसाद शुक्ला निवासी जरदा भैसाहा टोला, राम निवास यादव पुत्र कन्हई निवासी जंगल चौरी, मोहम्मद बिन कासिम पुत्र स्वर्गीय रुआब अली निवासी जंगल सिकरी, राम हित यादव पुत्र राम केवल यादव निवासी छपरा, राम आशीष निषाद पुत्र बाबूलाल निवासी मिर्जापुर, विजय प्रताप सिंह पुत्र राम निवास सिंह निवासी जंगल राम लखना, मेहताब आलम पुत्र आफ्ताब आलम निवासी जंगल चौरी शेख टोला, रामचंद्र पुत्र बनवारी निवासी रायगंज बाजार तथा राम नयन पुत्र राजबाली निवासी नवा अवल थाना खोराबार जनपद गोरखपुर शामिल हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ASP व CO कैंट रोहन प्रमोद बोटरे ने कहा, पहले एक मुकदमा लिखा गया था, पंजीकृत किया गया था अवैध शस्त्र मामले में 7/7/8/19, उसी के क्रम में 12 लोगों की गिरफ्तारी ऑलरेडी हो चुकी है और कल 10 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी, उनसे 12 असले अवैध असले और उनके लाइसेंसेस की ओरिजिनल जो कॉपी थी उनके पास वो बरामद की गई है। इसमें जिस तरह के असले थे जिसके लाइसेंस थे, ये सारे के सारे अवैध तरीके के लाइसेंस थे। जो रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई थी असलाह पटेल से, उनके अनुसार भी ये अवैध तरीके के लाइसेंसेस थे। तो इन लोगों को पूछताछ के क्रम में थाने बुला गया था, उनके वेपन्स के साथ उनके लाइसेंसेस का पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ये पता चला कि ये जो असले हैं अवैध हैं। तो इसके पहले इस प्रकरण में 12 गिरफ्तारियां हुई थी, उसमें से कुछ राजस्व विभाग के बाबू थे और कुछ अवैध असला जो है वो धारक थे उसके। 25 गिरफ्तारियां, करीबन 23 गिरफ्तारियां, 22-23 गिरफ्तारियां इसमें हुई है, 22 गिरफ्तारियां। अभी जांच जारी है और जो भी हमें मुखबिर की सूचना मिलती है उसी के आधार पे हम लोग सत्यापन पहले करते हैं, सत्यापन करने के बाद पूरी पुष्टि होने के बाद ही लोगों को बुक करते हैं।